YouTube चैनल, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो स्पेशली आपके लिए मैं स्पेशली डेमो लाया हूँ टॉप लोड को लेके, जो कि बॉस की 6.5 kg। तो जो ये 6.5 kg है, मैं आज आपको इसका प्रॉपरली डेमो दूंगा और चला के दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं और कैसे ये यूज होती है। इंडस्ट्री की बेस्ट मशीन में ये मानी जाती है, तो इसके बेस्ट क्यों मानी जाती है, उसके भी फीचर्स है, वो भी मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। पहली बार अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो एंड तक देखिए, क्योंकि डेमो काफी इसमें यूजफुल रहती है। तो फ्रेंड्स डेमो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स 6.5 kg की ये मशीन है एंड वाइट कलर में आती है और 5-star रेटिंग की ये है। तो कंपनी इसमें 10 साल की वैसे मोटर की वारंटी देती है, 2 साल की टोटल देती है। अगर हम बात करेंगे इसके लुक की, तो स्मार्ट लुक के साथ आता है, बैक पैनल के साथ आता है, प्रॉपरली इसमें सारे फीचर्स आपको विजिबल दिखाई देते हैं, क्योंकि इसका सबसे बिग पैनल आता है इंडस्ट्री के अंदर, जो कि आपकी बेस्ट मशीन है। आप इसको मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हो एंड फजी लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम इसके बैक की बात करेंगे तो बैक में देखेंगे तो ये 450 वाट की मोटर है, जो कि सबसे हैवी मानी जाती है, विद व्हील के साथ है, यानी आप इस मशीन को स्टेबली इधर से उधर भी ले जा सकते हैं। कोई भी अगर फर्श क्लीन करना हो तो मशीन को आप हिला सकते हैं स्पेशली। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इसकी बॉडी की, तो इसमें एक लेमिनेशन चढ़ाई जाती है जो कि रस्ट प्रूफ बनाता है, और इसकी जो बॉडी है वो रफ एंड टफ बॉडी है। अगर बात करेंगे हम इसकी एक्सेसरीज की, तो इसमें एक इनलेट पाइप एंड एक आउटलेट पाइप आता है, ड्रेन पाइप, जो कि पानी को ड्रेन करता है। अब हम बात करते हैं इसके ड्रम की, तो अगर ड्रम में आप देख ही रहे होंगे, जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ब्लू एंड वाइट डॉट, ये स्पेशली है कि ये स्क्रबिंग पैड की तरह वर्क करते हैं, जो कि कपड़ों को रबिंग करता है और स्मूथली वर्किंग करवाता है। पल्सेटर भी सेम वही है, रब इफेक्ट देता है, जो कि कपड़ों की वॉशिंग क्वालिटी एंड कपड़ों की धुलाई को बेटर बनाता है। ये लिंट फिल्टर है, लिंट फिल्टर में क्या होता है, जितने भी फिजिकल डस्ट वगैरह होते हैं उनको ये कैच करता है, यानी फिजिकल डस्ट एंड रेसे वगैरह को कैच करता है, ईजिली टू निकाल के आप क्लीन भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके ड्रम की, तो प्रॉपर जो ड्रम है वो स्टेनलेस स्टील का ड्रम है, रबिंग पैड दोनों साइड है, और ये जो टावर देख रहे हैं आप, इसमें ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये स्पेशली क्या है, ये पानी का फ्लो बनाते हैं। डिटर्जेंट बॉक्स की बात करेंगे तो एक में आप लिक्विड डिटर्जेंट, एक में आप कम्फर्टर यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ब्लू कलर का एक एक्स्ट्रा बॉक्स भी आता है, जिसमें आप लिक्विड डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कंपनी इसमें स्पेशली बैलेंस इंडिकेटर भी देती है, जो कि मशीन को स्टेबल रखती है, जिससे कि आपको इन फ्यूचर मशीन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बैलेंस इंडिकेटर दिया जाता है। तो स्मार्ट डोर की बात करेंगे, स्पेशली इसमें कंपनी ये स्मार्ट डोर इसलिए देती है, क्योंकि कभी भी आप अगर मशीन में कोई कपड़ा ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, अगर डोर ओपन है और गलती से डोर गिर जाता है तो अचानक ना आते हुए डोर या फिर आपके हाथ में इफेक्ट ना पड़े, उससे क्या होता है स्मार्ट डोर दिया गया है, यही कि धीरे धीरे आएगा, इससे क्या होगा चोट भी नहीं लगेगी। और टफेंड ग्लास देती है, इसका जो पैनल है वो ऊपर का टफेंड ग्लास है, यानी ब्रेक भी नहीं होगा, बिग पैनल है, और पैनल जो है इसका स्पेशली बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लिखे हुए, आपको इजीली टू समझ आ जाएगा। तो अब बात करेंगे कि स्टार्टिंग की, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें, खाली मशीन को ऑन करना पड़ता है और मशीन ऑटोमेटिकली स्मार्ट सजेस्ट में चली आती है, जिसकी वजह से ये 46 टाइमिंग ले लेती है, यानी मशीन की वॉशिंग टाइमिंग जो होती है, वॉश रिंस स्पिन, ठीक है। और इसको आपने वहाँ से स्टार्ट बटन दबा देना चाहिए, इससे क्या होगा मशीन ऑटोमेटिकली अपना काम करेगी। अगर आपको मैन्युअली यूज़ करना है तो मैन्युअली में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैन्युअली में जैसे कि आपका जैसे वॉश वाला जो है ऊपर का, तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, माइल्ड आता है, नॉर्मल आता है, इंटेंसिव आता है। तो ये क्या होता है कपड़ों के अकॉर्डिंग होता है, यानी कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हैं कितने कम गंदे हैं उसके लिए होता है। सोकिंग है, यानी अगर कपड़े ज़्यादा गंदे हैं जैसे इंटेंसिव में लगाया आपने, तो आप इसमें सोकिंग जो होती है 90 मिनट तक भी कर सकते हो, 15 से 90 मिनट है। ज़्यादातर जो बेडशीट वगैरह होती है ज़्यादा गंदी होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। वाटर लेवल शो कर सकते हो, फेवरेट प्रोग्रामिंग होती है इसकी, फेवरेट जैसे आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लगाया यहाँ से तो आप उसको फेवरेट में यूज़ कर सकते हो। क्विक वॉश लगा सकते हो, 15 से 30 मिनट का टाइमिंग होता है, मिक्स लोड हो गया, और आपके स्पेशली डेलिकेटेड कपड़े हो गए, बेडशीट के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा है इसमें, वाइट कपड़े के लिए अलग से दे रखा है। अब जैसे जैसे आप टाइमिंग लगाओगे ना तो वैसे वैसे यहाँ पे टाइमिंग चेंज भी होता रहेगा, यानी जैसे प्रोग्रामिंग लगा रहे हो आप, देखिए मैंने जो कॉटन लगाया तो 56 हुआ,
टब क्लीन लगाया तो 43 मिनट का इसका टब क्लीन है, तो आप यहाँ से उसको सब सेट कर सकते हो। अब बात करेंगे तो इसके जो वॉश रिंस और स्पिन है, मान लीजिए कभी भी आपको स्पेशली खाली रिंस करना हो, खाली वॉश करना हो, खाली स्पिन करना हो, तो वो भी इसमें ऑप्शन दिया जाता है। मेरा मतलब ये है कि अगर आपके कपड़े धुले हुए हैं, रिंसिंग है, आपको खाली सुखाने हैं, तो आप इसमें स्पेशली कपड़े खाली सुखा भी सकते हो। आपको यहाँ से टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से करते हैं। वॉश को आपने 2-3 बार दबाना है, जब तक यहाँ पे जीरो नहीं आएगा तब तक ये हटेगा नहीं। फिर आपको रिंस को हटाना है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स जली हुई है, तो उनको हटाना पड़ेगा आपको। फिर स्पिन आ गया है, स्पिन को दबाएंगे, 6 मिनट का होता है, और इसको आप टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हो और स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, स्टार्ट होते ही परफेक्टली इसका जो ड्रम है काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होगा। मूवमेंट यानी इसकी जो रनिंग है काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि ये 450 वॉट की मोटर है। 450 वॉट की मोटर है, जैसे बेडशीट हैवी कपड़ा धो रहे हैं तो उसके लिए तो ये ड्रम काफ़ी बेस्ट माना जाएगा। आप देख रहे हैं इसने स्पीड कितनी तेज़ी से पकड़ी है। नॉर्मली किसी भी ब्रांड में आप देखते हो तो उसको स्टार्ट करने में 2 मिनट के बाद वो 1 मिनट के बाद स्टार्ट होता है, बट उसकी स्पीड उस समय कम होती है। बट ये चलते ही इसकी स्पीड काफ़ी बेटर है, जिससे कि पता चलता है कि इसकी वॉशिंग क्वालिटी कैसी होगी। आप देख ही रहे, टाइमिंग भी यहाँ पे शो होता रहता है जैसे जैसे स्पिनिंग का टाइम होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पिनिंग लगानी है तो वो भी लगा सकते हो आप। तो इसको आप ना बीच में भी ओपन कर सकते हो। बीच में ओपन क्यों करते हैं, इसलिए ओपन करते हैं कि कभी कोई बच्चे ने गलती से इसको ओपन कर दिया और हाथ डाल दिया तो मशीन क्या होगी, ऑटोमेटिकली वहाँ पे रुक जाएगी ड्रम। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पैनल पे देखना है, वहाँ पे एरर 3 लिखा आएगा। उसके बाद अगर आपको उसको रीस्टार्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। उसमें सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली स्टार्ट बटन दबा देना है और ये ऑटोमेटिकली वापस रीस्टार्ट हो जाएगी, यानी इसका जो स्पिनिंग ड्रम है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको स्पेशली बताया है बॉस की 6.5 केजी का मॉडल का डेमो दिया है, जो कि WOE651WOIN मॉडल है। 6.5 केजी का वाइट कलर है, इसमें ग्रे कलर भी आता है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। 5-स्टार रेटिंग है, बिग पैनल के साथ है और एक्सपर्ट की टेक्नोलॉजी के साथ है। 450 वॉट की मोटर है और सबसे हैवी बॉडी है इंडस्ट्री के अंदर। वाइड ड्रम है 6.5 केजी के अंदर एंड विद व्हील के साथ भी है, यानी आप इसको मशीन को इधर से उधर भी ले जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आज आपको बताया है 6.5 केजी के बारे में बताया है, अगर इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, किसी भी मॉडल के बारे में, इवन यही वाले मॉडल के बारे में, किसी भी मॉडल के बारे में। तो फ्रेंड्स।